3 का क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एबी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। तो ऐसे बोल रहे हैं कि एबी है और एबी के जो स्टार्टिंग के 7 टर्म्स है जैसे a1 a2 a3 a4 a5 a6 और a7 उनका अगर आप सम करो तो कितना है 49 और उसी एबी के 17 टर्म्स का सम कितना है 289। तो गिवन में अगर मैं बात करूं तो गिवन में 7 टर्म्स तो यहां पे टर्म्स कितने हैं 7 तो S7 कितना दे रखा है 49 और S17 कितना दे रखा है 289 है ना, ये आपका गिवन है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स तो और वो पूछ रहे हैं SN आपको पूछ रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स भी निकालेंगे ठीक है और यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे A और D फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो S7 क्या दे रखा है तो आपको सभी को पता है SN क्या होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d है ना, ये SN का फॉर्मूला है। तो जब मैं S7 बोलूंगा है ना तो टर्म्स कितने 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 7 by 2 2a plus n minus 1 n minus 1 मतलब 7 minus 1 6 into क्या d ओके तो ये रहेगा। अच्छा अब S7 क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है 49 तो S7 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे 49 से ठीक है। तो 49 इक्वल्स टू 7 बाय 2 2a प्लस 6b ओके तो ये 2 इधर जाएगा और 7 इधर आएगा है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 49 इनटू 2 बाय 7 इक्वल्स टू 2a प्लस 6b ठीक है। तो 7 जा 49 7 2 जा 14 तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2a प्लस 60 इक्वल्स टू क्या 14 ये बनेगी। इसको आप और रिड्यूस कर सकते हैं 2 कॉमन लेके ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 14 तो a प्लस 3d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 क्योंकि 2 उधर जाएगा तो 14 बाय 2 क्या हो जाएगा 7 ओके। तो मैं ये पूरा मिटा के इसमें डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 ओके क्लियर। तो ये पार्ट हुआ, अब इसको मैं रब कर देता हूँ ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट मतलब S17 दे रहा है आपको। तो S17 तो S17 में भी सिमिलरली क्या होगा n by 2 मतलब 17 by 2 2a प्लस n minus 1 मतलब 17 minus 1 that is 16 into d ओके। तो S17 कितना है 289 तो यहाँ पे आएगा 289 इक्वल्स टू 17 बाय 2 2a प्लस 16d तो 2 इधर जाएगा और 17 इधर आ जाएगा तो 289 इनटू 2 बाय क्या 17 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d ओके। तो 17 वन जा 17 और ये 17 2 जा क्या हो जाएगा 34 2a प्लस 16d इक्वल्स टू क्या 34 है ना, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289 तो 17 जा 289 17 टू 2 34 तो 2a अब इसको भी 2 में कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 34 तो 2 से काटोगे 34 तो यहां 17 बचेगा तो a प्लस 8d इक्वल्स टू आएगा 17 ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई 1 और ये इक्वेशन हो गई 2 तो अब a प्लस 8d कितना है 17 तो उसको मैं यहां लिख लेता हूं a प्लस 8d क्या है 17 ये इक्वेशन 2। अब इसमें क्या कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस तो माइनस से प्लस से कट हो गया यहाँ पे माइनस 5d आ जाएगा और माइनस 17 प्लस 7 क्या आएगा माइनस 10 तो d क्या आएगा 2 d क्या आएगा आपका 2 आएगा ओके d 2 आएगा। तो आपको पता है कि a प्लस 3d कितना है a प्लस 3d है आपका 7 है ना तो d कितना है 2 तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या 7 तो a प्लस a कितना आएगा 1 आएगा a कितना आएगा आपका 1 है ठीक है। तो a 1 आया d 2 आया तो ये दो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या फाइंड करने के लिए sn फाइंड करने के लिए ठीक है। तो sn फाइंड करते हैं हम लोग तो sn आपका a आपका 1 है और d आपका क्या है 2 है ना A1 और D2 मैं लिख लेता हूँ A1 और D2 फाइंड करना है SN तो SN क्या होगा n by 2 2a plus
एन माइनस वन इंटू डी, है ना? ओके, तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू इंटू ए, ए कितना है बोल, तो टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना आएगा, टू। तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू प्लस टू इंटू एन, टू एन, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, टू और माइनस टू कट, एस एन क्या हो जाएगा एन बाई टू, और यहाँ क्या बचेगा ओनली टू एन बचेगा, क्योंकि टू और माइनस टू तो कट हो गया, तो टू एन बचा, ये टू और ये टू कट हो जाएगा, तो एन इंटू एन बचा जो कि हो जाएगा एन स्क्वायर, तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या आएगा, एन स्क्वायर। ओके,